बढ़ते हैं भीलवाड़ा से। खबर है भीलवाड़ा ब्यावर मार्ग पर हादसा हुआ। ओवरलोड ट्रेलर की चपेट में एक महिला आ गई। महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों और ग्रामीणों से पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है। माली समाज की मृतका बताई जा रही है। आक्रोशित परिजनों ने रास्ते पर जाम लगा दिया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही है, तस्वीरें जिसमें एक बड़ी लोगों की भीड़ और हुजूम नजर आ रहा है। महिला की मौत पर परिजनों का और आसपास के क्षेत्रवासियों का हंगामा। ओवरलोड ट्रेलर की चपेट में आने से महिला की जान चली गई। जिस बात को लेकर परिजन और ग्रामीण गुस्साए हुए हैं, इस चीज से आक्रोशित हैं, क्योंकि लगातार देखिए शिकायतें ऐसे ओवरलोड वाहनों की जाती आती रही है, लेकिन वो उसी लेन में चलते हैं जहाँ से होकर के बाकी वाहन गुजरते हैं, और ऐसे हादसे होते ही रहते हैं जहाँ पर तेज गति से भगाने के प्रेम में ओवरलोड वाहन लोगों को कुचल देते हैं। पूरी जानकारी के साथ भीलवाड़ा से सहयोगी नवीन जोशी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या पूरी जानकारी, क्योंकि तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग जो कि इस महिला की मौत के बाद आक्रोशित थे। ये पूरा है मांडल थाना के बाहर। देखिए ओवरलोड ट्रेलर की चपेट में आने से महिला की जान चली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इस महिला की मौत होने के बाद परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, ग्रामीण और परिजन वहां पर जुट गए। आक्रोशित थे क्योंकि ऐसे वाहनों की पहले भी लापरवाही से जुड़ी हुई जानकारियां और खबरें सामने आई है। कई लोगों की जिंदगी ऐसे ओवरलोड वाहन लील जाते हैं, लेकिन अब तक इन पर लगाम नहीं लग पाई है, और इनकी वही लेन है जिससे से आम वाहन होकर गुजरते हैं। साइकिल सवार भी उसी वाहन से, उसी रोड से, माफ कीजिएगा, होकर गुजर रहा है, उसी लेन से होकर गुजर रहा है, और ओवरलोड ट्रेलर ट्रक भी उसी लेन से होकर गुजर रहे हैं। लिहाजा पुलिस से बचने के फेर में या फिर अपने कारणों की वजह से तेज ऐसे वाहनों को दौड़ाते हैं। नवीन जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके। नवीन, आप जानकारी दे रहे थे क्योंकि सैकड़ों की संख्या में परिजन और ग्रामीण नजर आए इस महिला की मौत के बाद आक्रोश व्यक्त करते हुए। देखिए ये जो पूरी घटना है भीलवाड़ा ब्यावर राजमार्ग की है, जहाँ पर जो मांडल थाना है उससे मात्र 10 कदम की दूरी पर यह हादसा हुआ। एक ओवरलोड ट्रक जो ट्रेलर था सीमेंट के कट्टों से लदा हुआ, उसने महिला को कुचलते हुए भागने लगा। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, और माली समाज की महिला है, महिला की मौत को लेकर ग्रामीण कोई मुआवजा हो जाए विशेष मांग नहीं है। ग्रामीणों की यही मांग है कि बेतरतीब जिस तरह से वाहनों का आवाजाही बहिर्भाग वाले इलाके से होती है, खेत पे जाती महिला अचानक इस हादसे के शिकार हो गई, इस बात को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण कह रहे हैं कोई बड़ा अफसर आके इस बात की यहाँ पर मौके पे लोगों को आश्वासन दे, इस बेकाबू तरह से जो गाड़ियां और ओवरलोडेड वाहन जो निकलते हैं उनके आवागमन का कोई व्यवस्था हो, इससे हादसों में कमी आए, इस बात की विशेष तौर से मांग है। जयदी बिल्कुल नवीन, देखिए हादसे ऐसे पहली बार नहीं है जब ओवरलोड वाहनों की वजह से हुए, इससे पहले भी कई हादसे प्रदेश के अलग अलग जगहों से हुए। हालांकि नियम भी है कि रात में कुछ तय समय पर ही ऐसे ओवरलोड वाहन वहां से गुजर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी समय निकलते हैं, इसको लेकर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही अब तक भीलवाड़ा में? जेटी जिस तरह से बहुत बार होता है कि नियम बनाए जाते हैं रात को 8 से सुबह 8 बजे तक ही भारी वाहन बस्ती या भीड़ भरे इलाके जो कि रिहायशी इलाके वहां से होके गुजरेंगे, मगर जिस तरह से लापरवाही कहीं की सामने आ रही है, बकायदा बाईपास अभी नया बन रहा है, राजस्व मंत्री रामलाल जाट की पहल पे एक बाईपास निकाला गया है, उसका काम चल रहा है, वहां पे निर्माण चल रहा है, वहां से भी गाड़ियां आती जा रही, मगर जो कुछ तेल बचाने के चक्कर में कुछ जिसको कह सकते हैं कि छोटे से लालच के चक्कर में लोगों की जिंदगियों के काल का ग्रास करते हैं ऐसे ओवरलोडेड वाहन, और इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलते हैं। जय जी नवीन, इस घटना के बाद में परिजनों का आक्रोश नजर आ रहा था, उन्हें किस तरह से समझाया, इसके अभी तक कोई प्रयत्न किए गए हैं, कोई प्रतिनिधि पहुंचा हुआ जनप्रतिनिधि? प्रशासन की तरफ से सबसे पहले पहुंचे वहाँ पे जो थाना प्रभारी है विनोद मीणा, वो पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश की है, और अभी जो महिला है उसका शव पहले तो काफी देर तक वहाँ पर जो थाने के बाहर ही कुछ दूर पड़ा रहा था सड़क पर, उसके बाद में ग्रामीणों समझाइश के बाद में शव उठाने को तैयार हुए। शव को अभी जो मांडल PSC है वहाँ पर रखवाया गया उप स्वास्थ्य केंद्र पर, और अधिकारियों की अभी भी समझाइश का दौर जारी है। जय जी चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।